हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं अडानी ट्रांसमिशन के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 12th मई 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है तो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले अडानी ट्रांसमिशन में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन अडानी ट्रांसमिशन में हमें 7.51% का यहाँ पे एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 2296 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे एक नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारे को ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज सा वॉल्यूम देखने मिल रहा है। कैंडल यहाँ पे एक मीडियम साइज की बनी है। ऊपर के साइड में बहुत ही बड़ी विक जो है देखने मिल रही है। नीचे के साइड में एक छोटी सी विक हमें देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ RSI की, RSI 36-37 के आसपास हमारा जो RSI आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक स्लाइड जो है मैं कहूँ तो पॉजिटिव मूवमेंट का इशारा देता है। लेकिन याद रखना RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं, हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो है हमें जरूर यहाँ पे एक नेगेटिव मूवमेंट जो है दे सकता है। यहाँ पे हाई चांस है स्टॉक में हमें नेक्स्ट जो है अगला मूवमेंट डाउन साइड तक का आते हुए देखने मिलने वाला है। और मिलने वाला है तो यहाँ पे 2144 तक इजिली यहाँ पे मुझे डाउन साइड जो देखने मिलने वाला है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं स्टॉक यहाँ पे करेंटली जो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में चले जा रहा है। यहाँ पे कभी भी जब है हमें वन डे के चार्ट पे इवन थोड़ा सा 2144 पे जरूर एक सपोर्ट जो है देखने मिलेगा। लेकिन यहाँ पे स्टॉक जो है थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे फिर वापस से गिरेगा। ट्रेंड जो है नेगेटिव यहाँ पे आने वाले दिनों में हो जाएगा तो थोड़ा सा स्टॉक में आप जरूर कॉशियसली काम करें। बाकी यहाँ पे 2144 तक मुझे यहाँ पे डाउनसाइड जरूर देखने मिलने वाला है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे क्या होने वाला है उस बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे आप जो उस वीडियोस को मिस ना करें इसके वजह से बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आपको जैसे ही हमने अपलोड किया आपको जो है एक नोटिफिकेशन आ जाए और वहाँ पे आप जो है उसको देख ले। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टॉक में कल के दिन क्या होने वाला है हमारे 1 आवर के चार्ट पे। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन सारे के सारे मार्क्ड है। एज सच हमें कोई भी मार्किंग जो है करने की जरूरत नहीं है। सीधा हम बात करते हैं इसके क्लोजिंग की। तो क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 2296 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे आया था 2288 का। डायरेक्ट रेशन यहाँ पे आया था 2321 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेशन का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो है घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जो आप उस वीडियो को देख ले। वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कन्फर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो जरूर जो आप उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट 2 सपोर्ट जोन और 2 रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 2251 का, उसके बाद क्या आता है 2200 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 2367 का,
उसके बाद क्या था 24/06 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रिलेशन यहाँ पे आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हुए जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, इस स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में जरूर एक पॉजिटिव साइड का जो बन रहा है, मतलब यहाँ पे हाई चांसेस स्टॉक में हमें एक अपसाइड मूवमेंट जो देखने मिल सकती है। यहाँ पे मुझे स्टॉक में जो अपसाइड मूवमेंट 2321 से लेकर 2367 के बीच में मुझे यहाँ पे हाई चांस लग रहा है इस स्टॉक में, हमें जो इस बीच में क्लोजिंग जो कल के दिन देखने मिल सकती है पॉजिटिव साइड में। लेकिन पॉजिटिव साइड यहाँ पे टेम्परेरी रहेगा, जिस तरह से मैंने आने वाले दिनों के लिए आपको जो यहाँ पे वन डे के चार्ट में बात की है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है बस कॉशियसली काम करना। कल का यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि पॉजिटिव साइड में रेंज रहेगा, लेकिन प्री ओपन मार्केट में अगर गैप डाउन हुआ और डायरेक्ट सपोर्ट को क्रॉस करते हुआ तो यहाँ पे गिरते हुए फिर स्टॉक को जो कोई नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ पे उस चीज़ का भी आप जरूर ध्यान रखें, प्री ओपन मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम भले ही जो है यहाँ पे एक दिन पहले यहाँ पे वीडियो लाके आपको एनालिस्ट यहाँ पे जो है आपको टेक्निकल एनालिसिस जो है यहाँ पे चार्ट के बेसिस पे आपको बताते हैं, लेकिन प्री ओपन मार्केट में मार्केट किस तरह से ओपन होता है, मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है, वो एक हमें पता चलता है। तो उसकी वजह से वो चीज़ आप जरूर देखें। करंटली मेरा ओपन स्टॉक में पॉजिटिव का है, बाकी यहाँ पे प्री ओपन मार्केट में स्टॉक किस तरह से परफॉर्म करता है वो आप जरूर देखें, मैं भी यहाँ पे देखा और उसी के बेसिस पे हम कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है वो हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।